हाँ बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं। तो देखिए, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डेफिनेशन है या उनका उसका जो मतलब है वो इसी शब्द इक्विपोटेंशियल में छिपा हुआ है। देखिए, इक्विपोटेंशियल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, इक्वी एंड पोटेंशियल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब इक्वल पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? इक्वल पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, चेंज नहीं होती, कॉन्स्टेंट रहती है। उसको हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, एक ऐसी सरफेस, मान लो मैंने इसी को कह दिया, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट, उसकी सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, बल्कि उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है, सेम है, कॉन्स्टेंट है। तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर लिया हुआ है या चार्ज मेटेलिक सेल लिया हुआ है जिसका रेडियस क्या है? आर है। और जैसा कि हमको पता है कि इसकी सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। डैट इज इक्वल टू वी बराबर के क्यू अपॉन में आर, जहाँ के क्या होता है? कूलम्स कॉन्स्टेंट, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा चार्ज मेटेलिक सेल के लिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है, कॉन्स्टेंट है। इसलिए इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इस तरह से कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है उसकी सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। तो उसकी सरफेस भी कैसे एक्ट करेगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है, फटाफट आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लिख लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, कुछ जनरल या कॉमन प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सर्फेस की क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारी यही होती है कि वर्क डन इन मूविंग एनी टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। यानी वर्क डन आपका क्या होता है? किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए ज़ीरो होता है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर मैंने दो पॉइंट ले लिए ए एंड बी। तो ए पर जो मेरा पोटेंशियल है उसको मान लिया मैंने वी ए, और वी पे जो पोटेंशियल उसको मैंने मान लिया वी बी। और यहाँ से बी में एक चार्ज मूव करा रहा हूँ क्यू, कहाँ से मूव करा रहा हूँ? ए से बी। तो आपने पढ़ा था कि वर्क डन, सॉरी, पोटेंशियल फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो हम बी टू ए मूव करा लेते हैं, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन माई चार्ज की वैल्यू। पढ़ा था हमने ये वाला फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है। अब हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा? बराबर होती है। तो ये टर्म क्या हो गया? जीरो डब्ल्यू बी ए अपॉन में क्यू, और यहाँ से डब्ल्यू बी ए क्या निकल के आया? जीरो आया। यानी चार्ज क्यू को बी से ए तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो वर्क, यानी नो वर्क करना पड़ेगा। तो चाहे ए से बी कराओ, चाहे बी से ए कराओ, सरफेस पे ही मूव कराओ, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा? सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है, उतार लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे होगा। कितने पे होगा? 90 डिग्री पे। देखिए, इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ली हुई है। क्या ली हुई है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दो पॉइंट लिए हैं उस सरफेस पे ए एंड बी। ए पर मेरा पोटेंशियल कितना है? वी ए, और बी पर मेरा पोटेंशियल क्या है? वी बी। ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने एल मान लिया। क्या मान लिया? एल। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस वी ए माइनस वी बी अपॉन में एल, पढ़ा है, और एल के ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं, क्लियर है। या आपने ये भी पढ़ा होगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डॉट एल माइनस का, पढ़ाया था ये वाला फॉर्मूला ही मैंने, ई डॉट एल। और इसका मतलब क्या होता है? ई एल कॉस थीटा। लेकिन ए और बी क्या होते हैं? पोटेंशियल एंड ए एंड बी क्या है?
सेम है, इक्वल है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ से आपका निकल के आता है कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो ई डायरेक्शन एंड एल डायरेक्शन के बीच है। एल क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है मेरा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो थीटा जो है ई और एल के बीच में है, दिस इज एल एंड दिस इज ई, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, ज़ीरो। थीटा के कौन सी डिग्री पर कॉस थीटा जीरो होता है, 90। कितने पे, 90 डिग्री, पाई अपॉन टू पे। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है कि हमारे पास जो ई और एल के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है, 90। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी लाइक दिस, 90 डिग्री। वैसे 90 डिग्री का साइन हम ऐसे सिंबल से दिखा देते हैं। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे, ये बात प्रूव हो गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्व पोटेंशियल सर्फेस से क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। फटाफट डाल लीजिए। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, या थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस की, द रीज़न वेयर इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर, वो क्षेत्र जहाँ पे इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस पास पास होती हैं हैव हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जहाँ पे दूर दूर होती हैं इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस बनाई हुई हैं, कर्व्ड प्लेन से दिखाई हुई हैं, और आप देखेंगे इस क्षेत्र में आपकी जो इक्व पोटेंशियल सर्फेस हैं वो क्या है, क्लोजर है, पास पास हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखोगे इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस क्या हैं, दूर दूर हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लो होगा या लेस होगा। तो जहाँ पे इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस पास होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, जहाँ पे इक्व पोटेंशियल सर्फेस क्या होती है, दूर दूर होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लो होती है या लेस होती है। तो ये मेरे पास थर्ड पॉइंट था, इसके बाद लास्ट पॉइंट फोर्थ नंबर बता रहा हूँ मैं। तो फोर्थ नंबर हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की, नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन क्रॉस ईच अदर, किसी भी क्षेत्र में कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। इस बात को हम प्रूफ भी कर देते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे प्रूफ, कि हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं किसी क्षेत्र में। तो आप देखेंगे सेकंड के लिए जो इक्व पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस तरह होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि इक्व पोटेंशियल सर्फेसें कैसे होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं। फर्स्ट वाली इक्व पोटेंशियल सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी भाई, इक्व पोटेंशियल सर्फेस है इससे हमेशा कैसे रहेगी, 90। और अगर ये वाली इक्व पोटेंशियल सर्फेस लेंगे तो डायरेक्शन कैसे होगी, 90। तो एक पॉइंट पे या एक रीजन पे एक क्षेत्र में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ गई हैं, दो डायरेक्शन आ गई हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट पे एक क्षेत्र में कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब ये स्टेटमेंट या जो हमने चीज़ कही है ये क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग। और इस बात से ये साबित होता है कि किसी भी क्षेत्र में दो इक्व पोटेंशियल सर्फेस कभी भी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। बता लीजिए बेटा फटाफट इसको, फिर आगे पढ़ाता हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं इक्व पोटेंशियल सर्फेस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिस्टम। हम डिफरेंट टाइप के चार्ज सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, और देखेंगे इनके केस में इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि जो सॉलिड लाइन है उससे मैं दिखाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं सॉलिड से दिखाऊँगा। इनको लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है, लाइंस ऑफ फोर्स। और जो डॉटेड लाइन है उससे मैं दिखाऊँगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, क्या दिखाऊँगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो सर ये चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज लिया है उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनेंगी,
तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल चार्ज लिया है प्लस क्यू, ठीक है। अब हमको पता है कि प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं, अबे ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो जाहिर सी बात है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल होगी। कैसी होगी, स्फेरिकल। और हमें पता है चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हाई होता है, तो इसका मतलब चार्ज के पास में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगी, पास पास बनेंगे। तो पास पास बना दीजिए, फिर वो धीरे धीरे करके क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, फिर क्या हो जाएंगी, और दूर हो जाएंगी। सो दीज आर कंसेंट्रेटेड कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो जो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसी है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स के रूप में, देख लीजिए यहाँ पे। और चार्ज के पास में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो पास पास होंगी, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन क्या होता है, बढ़ता रहेगा। इस तरह से अगर ये नेगेटिव चार्ज है, कैसा है नेगेटिव चार्ज, तो आपको क्या चेंज करना है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, अब ये अंदर की तरफ। चलिए फटाफट बना लीजिए। अब सेकंड है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें हमारे चार्जेस इक्वल हैं, लेकिन एक प्लस का है दूसरा क्या है, माइनस का है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए इसी के कारण हम जो है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज बनाते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से जाएंगी, प्लस से माइनस, ये हो गई, फिर ये हो गई इस तरह से। अरे भाई ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, इधर भी करेगा माइनस, ठीक है। फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, इस तरह से बनती चली जाएंगी। ये ऊपर जा रही है काफी दूर से, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एरो उल्टे हो गए, थैंक यू। अब सही है एरो, अब सही है, ठीक है। सो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है, इस क्षेत्र में ज्यादा है, प्लस चार्ज के राइट हैंड साइड पे, माइनस चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब इस क्षेत्र में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, पास होंगी, और इस क्षेत्र में एंड इस क्षेत्र में क्या होंगी, दूर दूर होंगी। चलिए बनाते हैं। देखिए है इस क्षेत्र में पास पास हैं, अभी इधर क्या है, दूर दूर हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ बनेंगी। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल या सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। बेटा फटाफट डाल लीजिए। हम पढ़ते हैं थर्ड केस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस। चार्जेस इक्वल भी हैं और लाइक हैं, यानी एक प्लस है तो दूसरा प्लस है, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो प्लस चार्जेस लिए हुए हैं सेम वैल्यू के, लाइक चार्जेस हैं। जैसे बताए दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिपेल करेंगे, यानी दूर दूर जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, यूं 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 यूं, ऐसे ऐसे फूल सा बन जाएगा, एक खुला खुला हुआ फूल।
डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ। ये कौन सी लाइन्स हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और बना दीजिए, मज़ेदार कर दीजिए। लो, आपको एक चीज़ यहाँ से नज़र आ रही होगी कि इस क्षेत्र में, यानी प्लस चार्ज के लेफ्ट में और इस प्लस चार्ज के राइट में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज़्यादा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो इस क्षेत्र में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो पास होंगी, जैसे इस क्षेत्र में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो क्या होंगी? पास होंगी। चलिए बनाते हैं। दो ही बना दे रहा हूँ मैं, देखिए पास हैं, उधर दूर है, इधर से यहाँ पे, इधर पास होंगी, इधर दूर होंगी, इधर पास, इधर दूर। तो इस प्लस चार्ज के राइट हैंड साइड पे पास पास होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। इस चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड पे पास पास होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसका मतलब इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हाई है। जबकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? लो होता है। बल्कि एक भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है बीचों बीच से पास नहीं होगी, एक भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल बीचों बीच से पास नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच में जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। यानी इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, नोडल एरिया कहते हैं, नोडल रीजन। ठीक है, तो इस क्षेत्र से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। तो फटाफट बना लीजिए आप लोग। आइए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा पॉइंट रह गया था पोटेंशियल एनर्जी के केस में, तो अभी मैं उसको कवर कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया हुआ है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है पी, उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? माइनस से प्लस होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। सो दिस इज पी वेक्टर। तो आप देखेंगे पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, मान लीजिए थीटा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो देखिए हमने कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया हुआ है, क्लियर है? अभी आपको पता है कि जब भी हम किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर वो चार्ज प्लस का है तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होती है। तो दिस इज द क्यू ई, ओके, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ खाली, क्या दिखा रहा हूँ? तो यहाँ पे प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इस तरह से माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो उसी वैल्यू का होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, यानी इधर मैग्नीट्यूड वही रहेगा क्यू ही। तो आपने देखा कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अभी ये फोर्सेज जो हैं वो एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, इसको डायपोल को ऐसा घुमाएंगे, यूँ घुमाने की कोशिश करेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो हमारा क्या आएगा? टॉर्क आएगा। क्या आएगा? टॉर्क। टॉर्क को हम कहते हैं, अच्छा, इन दो फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनको हम कपल कहते हैं, कपल ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? सो दीज टू आर मेकिंग अ कपल ऑफ फोर्स, और ये इस डाइपोल को ऐसे मूव, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो इन कपल का क्या बनेगा? एक मोमेंट या टॉर्क बनेगा। क्या बनेगा? टॉर्क। ठीक है, तो चलिए टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा कपल ऑफ फोर्स होता है, मतलब फोर्सेज का पेयर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, जब पेयर होता है हमारे पास, कपल होता है फोर्सेज का, तो उसके कारण जो मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं या टॉर्क कहते हैं, वो कैसे निकाला जाता है? देखिए, इधर मेरे पास क्यू ई है
इधर भी मेरे पास क्या है, क्यू ई है, दोनों फोर्स हैं, और इन फोर्सेस के बीच का हमें ये लाइन ऑफ एक्शन है इसकी, ऐसे जा रहा है, और ये लाइन ऑफ एक्शन इसकी है इधर ही, ऐसे ऐसे, इसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में, तो क्या होगा? ये होगा। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास, सपोज कीजिए वाई है, कितना है वाई, तो हमारे पास जो टॉर्क होगा या मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क भी कहते हैं इसको, टाउ से डिनोट करते हैं, अभी मैं खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू किसी भी एक फोर्स को लीजिए, ये फोर्स है, इसको ले लिया मैंने, यानी कोई सा भी एक फोर्स लीजिए और उन दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया, क्या आ गया, टॉर्क, यही टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा, समझ में आ गई बात। अब ये वाई निकालना है मुझे, ये एंगल कितना था जल्दी बोलो, थीटा था, याद आ गया थीटा है, ठीक है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बोलो कुछ, और ये लेंथ कितनी थी पूरी, 2a, कितनी थी 2a। अब मुझे y निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा जल्दी बोलो, साइन, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड अपॉन में हाइपो यानी 2a, यहाँ से y बराबर कितना आया, बिल्कुल सही 2a साइन थीटा, बराबर लग दीजिए फटाफट, टॉर्क बराबर क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा, 2a एंड q को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है p, डायपोल मोमेंट, तो क्या हो गया PE साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ खाली, यहाँ पे कोई वेक्टर साइन नहीं है, PE साइन थीटा हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया, अब ये टॉर्क का कॉमन फार्मूला है, लेकिन हम इस स्पेशल केस के लिए टॉर्क का फॉर्मूला, सॉरी हमें निकालना है स्पेशल केस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम टॉर्क से ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे उतारेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि टॉर्क बराबर जो हमारा आता है वो आता है पी ई साइन थीटा, ये वो टॉर्क है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहे थे वो लगा रहे हैं इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, यानी ऐसे घुमाने के लिए, ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है ऐसे, तो कौन घुमाएगा उसको, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा, और वही वर्क इस डायपोल में स्टोर हो जाएगा, किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो समझिए कि थीटा वन से रोटेट करते हुए जाना है, एक्सटर्नल फोर्स थीटा वन से रोटेट कर रहा है और उसे लेके आ रहा है, सपोज कीजिए थीटा टू तक, थीटा वन से रोटेट करते हुए उसे कहाँ लेके जाना है, थीटा टू तक। तो जो वर्क होगा वो वर्क आपका कहाँ से कहाँ निकलेगा, वर्क निकलेगा आपका जब थीटा वन से घुमाया गया कहाँ तक, थीटा टू तक। तो जब एक्सटर्नल फोर्स इस डाइपोल को थीटा वन जो पहले इनिशियली था उससे घुमा के कहाँ लेके जा रहा है, थीटा टू, तो जो वर्क होगा उसको हमने डब्लू कह दिया, क्या कह दिया, डब्लू, ये डब्लू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, सपोज कीजिए ये डायपोल जो था इसको हल्का सा ही घुमाया गया, ये डायपोल था इसको बहुत थोड़ा सा घुमाया गया, कितने से, डी थीटा से, कितने एंगल से कितना घुमाया गया, किधर घुमाया गया, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायपोल को थीटा वन से थोड़ा सा घुमाया गया डी थीटा, तो छोटा वर्क जो होगा डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज विद स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा विल बी इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा, यानी ये एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, टी डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है, ये आया हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जब हमने डी थीटा से रोटेट किया था, किसे रोटेट किया था, लेकिन हमें टोटल वर्क निकालना है,
और टोटल वर्क कब निकलेगा, जब थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, कहाँ से, थीटा वन से थीटा टू तक पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। आपने देखा था पी कांस्टेंट है और ई भी क्या है, कांस्टेंट है, दोनों बाहर, दोनों इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएंगे। तो आपका आ गया पी ई थीटा वन थीटा टू साइन थीटा डॉट डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, इसको याद रखिएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा पी ई इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा थीटा टू थीटा वन, माइनस को बाहर ले आइए आप, तो आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा थीटा टू थीटा वन। और ऐसे करेंगे जब आगे, जिसको इंटीग्रेशन आती है उसके लिए बहुत इजी रहेगा ये, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो फाइनली हमारे पास जो ये वर्क डन हमने किया या जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया है वो होता है माइनस पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। और यही वर्क डन किस रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी माइनस पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। सो दिस इज द रिलेशनशिप फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे हमने डायपोल या एक्सटर्नल फील्ड ने डायपोल सॉरी एक्सटर्नल फोर्स ने डायपोल को रोटेट किया, वो कहाँ से किया है, थीटा वन से थीटा टू तक किया है। पहले से उतार लो, फिर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम, पहले से उतार लो। तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी वो माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन होता है, पिछली बार मैंने थीटा वन लिख दिया था यहाँ पे, उसे करेक्ट कर लेना। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, जहाँ पे थीटा वन जो है वो इनिशियल एंगल है पी एंड ई के बीच में, एंड थीटा टू क्या है आपका फाइनल एंगल है। जनरली होता क्या है, मोस्ट कॉमन या कॉमनली जो है या जनरली आपका जो डायपोल होता है वो 90 डिग्री पे रहता है, कितने पे रहता है 90, यानी आपका जो थीटा वन होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है जनरली 90 डिग्री रहती है। इस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो जनरली जो डायपोल होता है वो 90 डिग्री पर रहता है, यानी थीटा वन की वैल्यू कितनी हुई 90, और उसको फिर रोटेट करना होता है कितने एंगल से, थीटा से। तो यहाँ पे थीटा टू हम बराबर थीटा रखेंगे और थीटा वन की वैल्यू 90 रखेंगे, थीटा टू की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा टू को थीटा रख दिया और थीटा वन क्या रख दिया 90। तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे फॉर्मूला, माइनस पी ई कॉस थीटा आया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, जब थीटा वन हम कितना लेते हैं 90 डिग्री लेते हैं, कैसे लेते हैं 90, और जब थीटा वन हमारा 90 डिग्री होता है या थीटा हमारा 90 होता है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी उस केस के लिए, उस डायपोल के लिए क्या होती है, जीरो होती है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया जब जब हमने इनिशियल एंगल कितना लिया था 90 डिग्री लिया था। फटाफट डाल लो बेटा इसे। तो आइए कुछ केस पढ़ते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, जब हमारा डायपोल जो है वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये 90 डिग्री पे होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90। तो देखिए यहाँ पे डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना है 90 डिग्री पे है, पी जो है वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, माइनस से प्लस। तो आप देखेंगे पी एंड ई के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इस केस में पी वैक्टर एंड ई वैक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 पुट कीजिए, इसमें कितनी आई पोटेंशियल एनर्जी, ज़ीरो आई। यानी जब हमारा डायपोल परपेंडिकुलर होता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, ज़ीरो आती है, क्योंकि कॉस 90 जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हमने क्या किया है कि जो डायपोल है उसको पैरेलल रखा है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही लाइन से दिखा रहा हूँ अभी, और डायपोल जो है वो पैरेलल है, दिस इज डायपोल, प्लस माइनस
एंड दिस इज पी वेक्टर। तो आप देखेंगे पी एंड ई के बीच में कितना एंगल है, जीरो डिग्री। कितना एंगल है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जल्दी बोलिए, माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू हो गई वन। तो यू बराबर क्या हो गया, माइनस पी ई, और ये आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब निकलती है, वो जब निकलती है जब आपका डाइपोल क्या होता है, पैरेलल होता है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी थीटा एंगल कितना होता है, जीरो होता है। इस कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक तरह से केस थर्ड है जब हमारे पास डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटी पैरेलल हो। कैसा हो, एंटी पैरेलल, हाँ उल्टी तरफ हो, 180 पे हो। कैसा हो, एंटी पैरेलल, यानी ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जबकि ये मेरे पास P है, P वेक्टर। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो बटा बटाओ आपकी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन। तो माइनस वन एंड दिस माइनस क्या हो गया, प्लस पी ई। सो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब निकलती है, जब आपका डाइपोल क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है, एंटी पैरेलल। इस कंडीशन को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपने देखा जब डाइपोल हमारा 90 डिग्री पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जब डाइपोल हमारा पैरेलल होता है, थीटा एंगल जीरो होता है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है, बराबर माइनस पी ई। और जब आपका डाइपोल जो है 180 डिग्री पे होता है, कितने पे होता है, 180 डिग्री पे, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम आती है, दैट इज प्लस पी ई। इस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, आप फटाफट बेटा इसे उतार लीजिए, और उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है।